अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं यासीन वाब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस तरह से आप किसी भी वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, टिकटॉक की वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने टिकटॉक की वीडियो का बैकग्राउंड चेंज किया होता है, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को नहीं पता था किस तरह से करते हैं। तो मैं आज आप लोगों को बताऊँगा आप किसी भी वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दें ताकि मैं इस तरह की कोई भी वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने डिस्क्रिप्शन को ओपन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन क्या चीज़ होती है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को यह नहीं पता होता, तो मैं आपको बताऊंगा कि डिस्क्रिप्शन क्या चीज़ होती है। आपने टाइटल के ऊपर क्लिक करना है। अब टाइटल के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसको डिस्क्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने एक ग्रीन कलर का कपड़ा लेना है जहाँ पर आप अपनी वीडियो को शूट करना चाह रहे हैं। तो आपने पीछे अपने वो सब्ज़ कलर का कपड़ा लगा देना है और आगे मैं आपको बताऊँगा कि आपने क्या करना है। तो चलते हैं अपने हम आ गए हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर देना है और आल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपने यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है, जहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये टाइटल लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये नीचे डिस्क्रिप्शन ओपन हो गई है। तो यहाँ पर आप मैं एक एप्लीकेशन का लिंक दे दूँगा, यहाँ से आपने ये डाउनलोड कर लेनी है। तो डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है ये आगे मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, इस तरह की ये एप्लीकेशन होगी काइन मास्टर। तो आपने किस इसको तरह से इसमें वीडियो को एडिट करना है। तो यहाँ पर प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं, एम्प्टी प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर आपने जो बैकग्राउंड लगाना है वो यहाँ पर आपने रखना है। मैं अभी मीडिया के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि किस तरह से आपने बैकग्राउंड लगाना है। तो मैं जल्दी से एक बैकग्राउंड को यहाँ से ढूँढ लेता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपने ये करना है। तो दोस्तों, यहाँ से मैं ये बैकग्राउंड चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ ओके कर लेता हूँ और इसको मैं एडजस्ट करता हूँ। यहाँ पर क्रॉप करके मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, ओके करता हूँ, और उतना आपने इसको बढ़ा लेना है जितना आपने अपनी वीडियो के ऊपर लगाना है। आप कोई वीडियो भी अपनी वीडियो के बैकग्राउंड के ऊपर लगा सकते हैं। तो मैं भी लगाऊंगा एक पिक्चर ही, तो इसको ओके करते हैं और फिर आपने लेयर में चले जाना है और यहाँ पर मीडिया के ऊपर क्लिक करना है और आपने यहाँ से वीडियो उठानी है और एडजस्ट कर देनी है यहाँ पर। तो मैं आपको इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और नीचे क्रोमा की का ऑप्शन है यहाँ पर, क्रोमा की, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करके इसको ऑन कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी वीडियो का बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो गया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर वीडियो का बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो गया है। तो इस तरह से आप अपनी वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। टिकटॉक की वीडियो का बैकग्राउंड किस तरह से चेंज करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपने अपनी टिकटॉक की वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करना है। तो ये आपने देख लिया है, इसके बाद आपने इसको सेव कैसे करना है, इसको आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने यहाँ शेयर के ऊपर, आपने यहाँ पर शेयर का आइकन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और जो भी आप इसमें क्वालिटी चूज़ करेंगे उसमें आपको ये एक्सपोर्ट आप करेंगे, आपकी वीडियो का बैकग्राउंड चेंज होके सेव हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप अपने टिकटॉक की वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करते हैं। तो चलते हैं अपने टिकटॉक में। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने टिकटॉक के ऊपर। आपने यहाँ पर, मैंने, आप देख सकते हैं कि मैंने ग्रीन स्क्रीन के आगे यानी कि पीछे ग्रीन कलर का कपड़ा लगा हुआ है, आगे अपना टिकटॉक शूट किया है। तो यहाँ पर आपने करने के बाद यहाँ पर आपने प्राइवेट के ऊपर क्लिक करना है। तो प्राइवेट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी वीडियो पब्लिश नहीं होगी, तो इसको आपने फिर डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसी तरह आपने इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेना है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके अलावा किसी भी नंबर का डाटा हासिल आप कर सकते हैं, इसकी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं, वो भी आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।